होगा डिस्टेंस भी मेंटेन Hey guys, welcome back to yet another video on our YouTube channel. आज के दिन हम करने वाले हैं हिंदू कॉलेज का पूरा कैंपस टूर. So stay tuned till the end क्योंकि बहुत सारी exciting चीजें are lined up. अच्छा इधर इसी डिपार्टमेंट में पर चलो हाय कर दो आप भी व्लॉग में भैया. हाय आज भैया हमें पूरा घुमा रहे हैं पूरा बता रहे हैं. इस तरफ हर्बल गार्डन है ऑपोजिट सामने ग्राउंड यह है साइंस डिपार्टमेंट. दिस इज द सेकंड फ्लोर ऑफ साइंस डिपार्टमेंट एंड इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह सब ऐसी है कुछ क्लासेस इधर एंड ओ पंखा चल रहा है बंद. लेट्स गो समवेयर एल्स. This is the department of botany. Hello sir. Samne garden hai. Haan. Photo shoot area ban chuki hai jagah. Oh, raha hamara main Hindu ka. This is the chemistry department only jo pura connected hai college se. वहाँ से आप लोगों की एंट्री हो रही है वहाँ से जब राइट लेते हैं तो यहाँ पर आपने फोटोशूट करा दिया. उसके बाद ये देखो ये है नीचे वाला एरिया जहाँ पर प्रिंसिपल ऑफिस और सब है और सामने है ऑडिटोरियम की एंट्री फर्स्ट फ्लोर वाली. दिस इज वन ऑफ द बेस्ट पार्ट. मीन आप इंफ्रा देखो रॉयल टाइप एंट्री लगती है. ग्राउंड फ्लोर रॉयल सीढ़ियों से उतर कर ऑडिटोरियम की एंट्री ऊपर ये मस्त वाला झूमर गिफ्टेड बाय आशा एंड संग्रहालय. तो इस तरफ है सारे ऑडिटोरियम के गेट्स. यहाँ पर जब हम जाते हैं तो आती है लाइब्रेरी. लेट्स गो टू लाइब्रेरी वहाँ. और ये क्या एडमिन ब्लॉक्स होंगे जहाँ पर आप रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड कुछ भी काम कर सकते हैं. विंडो 1 विंडो 7 जो भी काम है अपना एडमिनिस्ट्रेशन प्रोसेस से यहाँ आइए. चलिए आर्ट्स का बच्चा साइंस की लैब में पढ़ाई कर रहा है. हाउ आयरॉनिक बहुत सारी किताबें मतलब इतनी ज़्यादा है ना दिमाग ख़राब हो रहा है देखकर. बट इट्स लाइक इट्स गुड. सेकेंड फ्लोर जहाँ पर आर्ट्स हिंदी संस्कृत इंग्लिश पॉलिटिकल साइंस ये सब मिलेगा ऊपर चलते हैं. यहाँ पे लाइब्रेरियन साहब बैठते हैं तो बहुत शांति बरकने की ज़रूरत है. तो लिंग्विस्टिक सोशियोलॉजी हिस्ट्री सारे सब्जेक्ट्स हैं. यहाँ पर है रीडिंग रूम. यहाँ पे कंस्ट्रक्शन चल रहा है इसलिए इस जगह को तिजोरी की तरह बंद कर रखा है. नीचे चलते हैं. स्टोर है यहाँ पर है कंप्यूटर लैब. सामने चल रहा है कंस्ट्रक्शन और वहाँ पर है लैब. तीन लैब हैं भाई साहब. बोटैनी म्यूजियम थोड़ा सा अलग है भाई चल के देखते हैं. सोच रहे थे ना इस दर जगह इस जगह पे स्पेशल क्या है. इस रूम में एसी है इन सब रूम में. तो यहाँ पर है अपना रूम और सामो साम इज द संग्रहालय ऑडिटोरियम. नाम है हमारे गेट नंबर 4 एंड दिस इज़ कॉल्ड द हॉस्टल एंट्री गेट. सामो साम बॉयज़ हॉस्टल है जो कि बंद है कंस्ट्रक्शन काम चल रहा है. यहाँ पर है न्यू बिल्डिंग. दिस इज़ द एग्जीबिशन टाइप एरिया एंड यहाँ पर जब हम जा रहे हैं वहाँ है गर्ल्स हॉस्टल. तो लेट्स गो लेट्स सी. तो जी हाँ नीचे होती है एग्जीबिशन अभी कुछ हो रहा है और सामो साम है गर्ल्स हॉस्टल. ब्यूटीफुल इट इज़. फोटो शूट की जगह है सन किस
या फिर कुछ भी कह दो वैसी फोटोज। हमारी नंदी माता भी है सामो साम। नहीं 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 सॉरी, नंदी भगवान देव है यार, मेल मैंने फीमेल क्यों बनाया। क्लैरिफिकेशन मैं बताना चाहूँगा, गर्ल्स हॉस्टल के सामने मुझे गर्ल्स फाई बाई, इसलिए मैंने सोचा नंदी माता स्लिप हो गया। बाकी यार तो ये हो गया गर्ल्स हॉस्टल एरिया। और यहाँ पर आगे आते हैं, आगे आके यहाँ पर लेफ्ट में आगे राइट में लेंगे तो स्टाफ क्वार्टर एंड ऑल है। यहाँ पर टीचर की पार्किंग रहती है, ये सब चीज़ें रहती है, फिर काम का नहीं है ज़्यादा। तो वैसे आज के इवेंट में बहुत ज़्यादा गर्मी है, इट्स टू हॉट आउट हेयर, एंड इसलिए हम छाव के नीचे एकदम मस्ती से बैठे हैं। बाकी बाद में कवर करेंगे सब कुछ। भीड़ आप देख सकते हैं, बहुत सही है। एंड नाउ इट्स टाइम कि दिवाली फेस्ट में जितने भी स्टॉल्स हैं, जितने भी चीज़ें हो रखी है वो दिखाएं आपको। की स्कीम है 25 सेकंड में पैसा डबल। कुछ रह गए, 3 बची है। ओ बच गया मैं। तीन दोस्त, 3 अलग अलग निशान है। ये बंदा बोलता है कि मैं थक गया था, और इसको देखो, मतलब ये देखो है। सेवन अप डाउन, सुट्टा मारो कोई भी, जो जीत गए वो आपका, अगर 7 आया तो आपका, नहीं आया तो उनका। कोई 30-40 रुपीस लगते हैं। इंस्ट्रूमेंटल सॉन्ग बजता है, 3 अलग अलग गाने, 2 सही चूज करने पर यू विन। देन नॉर्मल स्टॉल्स, दिस इज एन एक्टर्स। ये सच्ची है, ये बहुत ज्यादा सच्ची है, इसको और खेलने का मन हो रहा है, और खेलने का मन हो रहा है, इसलिए दिखाओ मत। डिस्टेंस भी मेंटेन। रसोड़े में कौन था? उधर से इस रॉड के साथ इसके अंदर डालना है। 1 मिनट का टाइम है, ये बैंगल इससे कनेक्टेड है। लेट्स सी, बिना प्रोग्राम किए 3 टेपर उड़ जाए तो कैसा लगता है भैया? हर्षित भैया कैसा लगता है? कट गया भाई। खुले आम कट गया दोस्तों। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। ये आपका राइट में ग्राउंड है, और ये रहा आपका कैंटीन का रास्ता, बॉयज हॉस्टल लेफ्ट में, उसके राइट में ये है। नॉनवेज काउंटर भी है, आपा है यहाँ पर है कैंटीन, और कैंटीन के पीछे एक सिटिंग एरिया भी है, तो आप बैठ के आराम से खा सकते हैं। अब चलते हैं तो जैमिंग सेशन करने। This is the science block, that's the Relaxo research center, जो भी under construction है उसके अंदर, मतलब कुछ है ही नहीं equipment, ये new building है, 2017 में ही बनी है, थोड़ा अंदर देख के चलते हैं। वहाँ पर पानी पीने का है, वहाँ से हम enter किए थे, and यहाँ पर बन रही है अभी नई building, so this is how it looks, a 360. ये बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे रूम्स भी बने हुए हैं। गाइस दैट्स ऑल फ्रॉम द हिंदू व्लॉग, यहीं पर हम समाप्त करते हैं। आई होप आपको मज़ा आया होगा, हमने हर एक जगह कवर करने का कोशिश किया। एंड या बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, बहुत मज़ा आया। म्यूजिक ऑफ रथ, थैंक यू, बाय बाय।